बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले अगर आपके पास ऑयल है या देसी घी है या रिफाइंड ऑयल है उसको आप यूज करें। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये लोग मूंगफली का तेल और रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। अब हम पंजाब में हैं तो कुकिंग मीडियम जो हमारा देसी घी होता है तो मैं यूज कर रहा हूँ देसी घी। जब ये गर्म हो जाए तो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कुछ कि देर आर सम बेसिक इंग्रेडिएंट्स लोग यूज करेंगे। जीरा, सौंफ और सरसों, इसको वहां लोग राई बोल देते हैं जबकि राई छोटी होती है टेक्निकली जो खट्टा करती है। तो हम इन तीनों चीजों का मिक्सचर जो है इसमें डालेंगे। जब ये क्रैकल करेंगे तब हम करी पत्ता डालेंगे और करी पत्ता डालने के बाद फिर हम उसमें मूंगफली का दाना डालेंगे। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो वहाँ का खाना बहुत लाइट है, चिकनाई नहीं होती, बहुत कम चिकनाई मिलेगी, पर उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो बाकी चीज़ों से मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम फिर मूंगफली के दाने डालेंगे, ये कच्चे हैं पर थोड़ी देर इसमें पकाएंगे तो क्रिस्पीनेस आ जाएगी, है ना। फिर उसके बाद हम प्याज डालेंगे और प्याज डालने पर इस प्याज को पूरी तरह से ब्राउन नहीं करेंगे और ना ही इसको हम कच्चा रखेंगे, यानी कि जिसे हम ट्रांसुलेंट कहते हैं उस टाइप बहुत बहुत ट्रांसुलेंट उसको बनाएंगे। जब ये ट्रांसुलेंट हो जाएगी तब उसके बाद हम जो है इसमें हल्का सा नमक और हल्दी डालेंगे और फिर पोहा डाल के इसको मिलाएंगे। ये जीरामन पाउडर जो है वो मैंने बनाया है अभी, इसको आप टेस्ट करोगे। पहले मैं आपको इसे टेस्ट करने कह रहा हूँ कि जब आप पोहे के ऊपर डालेंगे तो एटलीस्ट आपका टेस्ट मालूम हो कि आपको कितना डालना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक एक चुटकी अपने आप ले लीजिए, ले लीजिए अपने लिए, आपने टेस्ट कर लिया है। टंके ऊपर चाट मसाले भी यूज कर सकते हैं। यस, मैं बताया ना कि आपको चाट मसाला जो है यहाँ पे यूज होता है, वहां पर जीरा मन पाउडर, तो इसमें हल्की सी एकदम शूट कर रहा हूँ, एकदम पंजेंसी मालूम पड़ रही होगी, है ना। नाउ दिस घी इज लिटरली गर्म हो चुका है, देखते रहोगे सीखते रहोगे तभी सीख पाओगे, है ना। ये ग्रीन पीस है, हमारे पास फ्रेश ग्रीन पीस आई, ये वही लकी कि फ्रेश ग्रीन पीस को आप एक बार पानी में बॉइल करें और फिर ठंडे पानी में डालें तो ये कलर आ जाए, कलर रिटेन कर। जब आपके पास आपको लगता है कि मटर बहुत ज्यादा आ रही है आप उस टाइम छीलें और छीलने के बाद उबलते हुए पानी में डालें, उबालने के बाद दो मिनट बाद उबालने के बाद ठंडे पानी में डालें, अगर उसमें बर्फ पड़ी है तो और अच्छा है क्योंकि ये कुकिंग फर्दर कुकिंग जो कुकिंग रोक नहीं आता एंड द कलर विल डेफिनेटली शार्प। और ज्यादा शार्प करना है तो यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ सोडा, उससे क्या होगा मिक्सचर विल बिकम एल्कलाइन। तो ग्रीन वेजिटेबल्स को ग्रीन करने के लिए, शार्प करने के लिए या उसका कलर मेंटेन करने के लिए यू कैन यूज एल्कलाइन मिक्सचर। इफ यू वांट टू मेक वेजिटेबल ब्राइटर, दोज आर वाइट इन कलर, तो देन यू कैन यूज एसिडिक और विनेगर टू मेक इट ब्राइट इन कलर। अब ये जीरा, राई और सौंफ, ये तीनों चीजें हल्की सी भून गई हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। करी पत्ता या मीठा नीम आजकल हर जगह पैदा होता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये रीजन से रीजन या क्षेत्र वाइज डिपेंड करता है, खुशबू में अंतर आ सकता है। अब यहां पर जो खुशबू है इसकी और जो महाराष्ट्र में या साउथ में मिलेगा तो उसमें थोड़ी ज्यादा शार्प फ्लेवर होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो इफेक्ट करता है। इसके बाद तुरंत मैंने इसमें दाने डाल दिए हैं और इन मूंगफली के दानों को मैं कोशिश करूंगा हल्के से ये गोल्डन हो जाए। अच्छा, वो मैं रेसिपी दूंगा आपको लास्ट में, आपको रेसिपी मिलेंगी प्रिंटेड, तो मैं ऑलरेडी यहां दे चुका हूं वो आपको रेसिपीज मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको पता था मूंगफली थोड़ी कच्ची थी हमारी, तो यहां हम एटलीस्ट इसको दो मिनट देंगे और दो मिनट में ये मूंगफली हल्की सी अंदर से पक जाएगी क्योंकि
इट हैज गॉट फैट है ना, फैट। तो एक बार फैट अंदर तक गर्म होगा तो मूंगफली पूरी तरह से पक जाएगी। ग्रीन पीस जो है मैं ऑलरेडी प्री कुक है तो मैं सबसे बाद में डालूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है। इसके बाद वी प्रोसीड फॉर अनियंस। आप यू कैन ऑब्जर्व अभी जो मूंगफली के दाने हैं वो थोड़े से कट रहे हैं, फूट रहे हैं और थोड़ा सा क्रैकलिंग हो रही है उनमें, है ना। दैट इज एन इंडिकेशन कि हम जो है नाउ वी कैन ऐड ऑनियन। आई एम सेविंग दिस ऑनियन 50% फॉर यू पीपल कि जब आप खाओगे तो यू कैन स्प्रिंकल लिटिल ऑनियन ऑन टॉप। लेमन वेजेस अगेन आई एम गिविंग चॉइस टू यू पीपल कि आप जब लेंगे तो यू कैन यूज लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस ऑल्सो ऑन टॉप अगर आपको थोड़ा खट्टा कम लग रहा है। तो ये दो चीजें मैं अपने चॉइस के हिसाब से रख रहा हूं आपके लिए ताकि आप भी यूज कर सकें। तीसरी चीज आती है, हम सेब बोलते हैं नमकीन वाले, तो एक सेब होता है मध्य प्रदेश में, उसमें लौंग पड़ी होती है, उसमें लौंग का फ्लेवर होता है, तो वो लौंग का फ्लेवर वाला सेब जो है इसके ऊपर डाला जाता है। आप बीकानेरी सेब या लतलामी सेब यूज कर सकते हो। ये ऑनियन मैं केवल आधी यूज करूंगा क्योंकि ये आपके बाद में काम आएगी, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू कुक दिस ऑनियन फुल्ली, हल्का सा इस ऑनियन के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट लाना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है ना ही ब्राउन करनी है और ना ही रॉ रहने देनी है। अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, आई होप आप लोगों को महसूस हो रही होगी। इसके बाद जो मेन चीज आएगी वो हल्का सा कलर देने के लिए हमें टर्मरिक पाउडर डालना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। इतना लाल मिर्ची डालनी है इसमें क्योंकि हम हरी मिर्ची ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो हल्दी से हल्का सा इसको येलोइश कलर देना है, वो सही है, पूरी मसाले की वो आएगा। तो हम इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, इट्स द सिंपलेस्ट डिश एंड डेफिनेटली इट हैज गॉट द रोल ऑफ ईच एंड एवरी इंग्रीडियंट जो इसमें हमने डाले हुए हैं। टर्मरिक पाउडर आई एम नॉट गोइंग टू कुक इट बिकॉज आई हैव टू ऑब्टेन मैक्सिमम कलर ऑफ अनियन एंड द टर्मरिक पाउडर विल डेफिनेटली गिव यू आई अपील टू द डिश। कुक नहीं करूंगा मैं इसको, जस्ट मिक्स करना है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड, दिस इज ऑलरेडी प्री सोक्ड, आई मीन हमने क्या किया था, अभी पोहे के पैकेट खोले उसको हमने बस धोया है, एक या दो बार धोने के बाद में इस पोहे को हम इसमें जो हमें इसमें हैंडलिंग कम करनी है, तो हैंडलिंग कम करने के लिए हम क्या करें, बस इन दोनों चीजों का हम यूज करना है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हाउ मच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने अब ज्यादा हैंडलिंग नहीं करनी है इसकी, तो इसलिए मैं इसमें नमक मिला रहा हूं और इस नमक को थोड़ा सा और उभारने के लिए, टोनिंग के लिए थोड़ा सा इसमें शुगर डाल रहे हैं हम। इसके बाद आप कोशिश करें कि इसको ये जितना खिलावो बनेगा उतना ही आपकी डिश में आई अपील आएगी। आप इसको काटने की कोशिश ना करें, कोशिश करें इसको फैलाने की, तो आप पलटे को इस तरह से चलाएं कि इसको हम स्प्रेड कर पाए।
वो ऐसा है कि आप जो भी खाना खाएंगे उसमें पचाने में टाइम लगता है। यानी कि अगर हम आलू पराठे बना लें सुबह, पंजाब में तो पानी आता है, ऐसा है कि बड़ा हरियाणा में कि वो पानी आराम से खाना पचा देता है, परंतु मध्य प्रदेश का पानी जो है वो थोड़ा लाइट है। दूसरा, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि वहां पर लोग पसंद करते हैं कि सुबह हल्का ब्रेकफास्ट है ताकि उसके लंच तक उनको भूख लग जाए। ये बहुत ही पॉपुलर डिश है मध्य प्रदेश की, जो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हर घर में, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, हर घर में पोहा जरूर मिलेगा आपको बनाना।